Good afternoon. So today I was thinking that, before we head into literature, we'll talk about language, भाषा. ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे. I'll try to keep it as simple as possible. So just some basic thoughts on language, कि भाषा है क्या चीज़. हम सब इसका प्रयोग करते हैं, बचपन से करते आ रहे हैं, सीखे हमने. सबको कम से कम दो तीन भाषाएं तो वी ऑल नो दीज लैंग्वेजेस, मदर टंग, फिर हिंदी, इंग्लिश, शायद और भी आपके लोकल भाषाएं हैं ना. सो या लेट्स टॉक अबाउट लैंग्वेज. व्हाट इज़ लैंग्वेज? भाषा क्या है, सवाल ये. सो आई गेस जाहिर सी बात है जवाब में आएगा कि यानी भाषा का काम क्या है, व्हाट इज़ द पर्पज़. सो यू वुड से कि एक दूसरे को मे बी इट्स अबाउट कम्युनिकेशन. एंड व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? एक्सचेंज ऑफ मीनिंग. जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ, कुछ शब्द या फिर आवाज़ें इस्तेमाल कर रहा हूँ एक सीक्वेंस में, और वही आवाज़ें जो क्या है, या फिर जो शब्द लिखे हुए शब्द आप पढ़कर या फिर आवाज़ें सुनकर जो मैं बोलना चाहता हूँ, दैट मीनिंग यू आर एबल टू ग्रास्प. वो मतलब मीनिंग जो है उन शब्दों का जो मैं बोलना चाहता हूँ, कि मुझे पानी दो या फिर आप कैसे हो, हाउ आर यू एंड ऑल ऑफ दैट, वो हो रहा है. दैट इज़ कॉल्ड एक्सचेंज ऑफ मीनिंग, विच इज़ बेसिकली कम्युनिकेशन, राइट? और ये एक्सचेंज ऑफ मीनिंग हो कैसे रहा है? जैसे उन्हीं आवाज़ें, वी आर टॉकिंग अबाउट साइंस एंड सिम्बल्स, जैसे चिन्ह और आवाज़ें. सो लाइक ए बी सी अ ई, ये सब क्या है? साउंड्स भी है और उनका एक लिखित में हमने उन्हें एक चिन्ह दिया हुआ है. फॉर इंस्टेंस, राइट, बेसिकली ए या फिर लिख के आप क्या है इसको, दो सिंबल्स है दो अलग अलग भाषाओं में, राइट, अल्फाबेट. अ आवाज़ है, ए आवाज़ है, इसको पढ़कर आपने इन बेसिक ये जो लाइनें बनी है, तीन लाइनें मैंने ए को ऐसे बना दिया, दो लाइनें ऐसे और एक ये, इसका मतलब क्या है, ए की साउंड, ये इतना आप जानते हैं. दैट इज़ द फाउंडेशन ऑफ लैंग्वेज, राइट, कि एक जो चिन्ह है या फिर आवाज़ है उसको आपने चिन्ह दे दिया, फिर चिन्ह को आवाज़ दे दिया, और धीरे धीरे व्हेन यू कंबाइन दीज, फॉर इंस्टेंस ए एन टी, राइट, थ्री लेटर्स, ए एन टी, तीन आवाज़ें, अ न त या फिर त, जो भी, एंट, और इन तीनों को मिला के आप क्या है, एंट बना देते हैं. और इन एंट जो साउंड है या फिर ए एन टी जो लिखा है, उसको आपने क्या मीनिंग दिया है, एक हिंदी में उसको चींटी बोलेंगे, लेकिन एक जो कीड़ा है, एक चींटी स्पेसिफिक इंसेक्ट, एन एंट, उसको आपने ये आवाज़ दिया है. और ऐसे ही एक्सचेंज ऑफ मीनिंग हो रहा है, अलग अलग शब्द. वैसे जब ये शब्दों को आप क्या है एक सेंटेंस में डाल देंगे, अलग अलग शब्दों को, जैसे द एंट इज डेड, फोर वर्ड्स, द इज एन आर्टिकल, एंट इज अ नाउन, इज वर्ब, डेड एडजेक्टिव. द एंट इज डेड मतलब चींटी मरी हुई है ना. सो वही है, लेटर्स कंबाइन टू मेक वर्ड्स एंड वर्ड्स कंबाइन टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस, ऐसे वाक्य जिनमें कुछ एक मतलब होता है, और वो मतलब हम एक्सचेंज करते हैं भाषा के थ्रू, राइट. और ज़रूरी नहीं, और भी अगर आप देखा जाए, इफ़ वी जस्ट टेक द डेफिनेशन ऑफ एक्सचेंज ऑफ मीनिंग, कि कुछ साइंस लिए हैं या फिर कुछ आवाज़ें हैं और उनके ज़रिए हम कुछ मीनिंग प्रदान कर रहे हैं, सो दैट वे इट एक्सटेंड्स टू एनिमल्स. एनिमल्स हैव देयर ओन लैंग्वेजेस, राइट, हनी बीज, क्रोज, डॉग्स. बेसिकली जब क्या है, इवन किड्स, बच्चा रोता है तो इसका मतलब हम समझने की कोशिश करते हैं, या तो क्या है उसको भूख लगी, या फिर उसे टॉयलेट करना है, या फिर समथिंग लाइक दैट, और इवन बॉडी लैंग्वेज, ज़रूरी नहीं कि बस हम बोल के या लिख के एक दूसरे को हम क्या है, स्माइल इज सॉर्ट ऑफ अ लैंग्वेज, स्माइल कभी कभार, या फिर रोना, ये सब चीज़ें आपके जो आप बोलना चाहते हैं शायद ज़्यादा, इट कन्वेज समटाइम्स मोर देन वर्ड्स. वैसे ही ब्रेल लैंग्वेज जो क्या है, विच इज़ यूज बाय ब्लाइंड पीपल, डॉट्स वो क्या है महसूस करते हैं पेपर में और उन्हें पढ़ते हैं क्योंकि वो देख नहीं सकते. साइन लैंग्वेज, एक एक जो जेस्चर है उसका एक मतलब हो बना रखा होगा, ऐसे ऐसे, ठीक है, जैसे थैंक यू, इस तरह की चीज़ें. ट्रैफिक लाइट, स्कूल बेल भी आप बोल सकते हैं, एक तरह से उसकी अपनी भाषा है ना. जैसे एक बेल बजी तो क्या है, पीरियड ओवर, दो तीन बेल बजे तो क्या है, फिर छुट्टी हो गई, कंटन, यानी छुट्टी है. सो ऑल ऑफ दैट, तो बेसिकली, लेकिन अगर आप इन सब में देखें, दीज साइंस एंड साउंड्स दैट वी यूज इन लैंग्वेज, दे डोंट हैव एन इंट्रिंसिक मीनिंग, मतलब
कि ये जो आप चिन्ह यूज कर रहे हैं या शब्द यूज कर रहे हैं उनका अपने में कुछ ऐसा नहीं है कि अपने में उनका कोई नाता नहीं है. जैसे वॉट इज दिस, इंग्लिश में आप इसको पेन बोलेंगे, हिंदी में आप इसे कलम बोलेंगे और कुछ और भाषा में कुछ और बोलेंगे, है ना. तो अलग अलग आवाज़ें आपने इस चीज़ के लिए दे रखी है, इस चीज़ का नाम दिया हुआ है आपने, राइट. बट और ये क्या है, जैसे इस चीज़ को आप क्या बोलेंगे, ग्लास, राइट. बट ऐसा तो है नहीं कि ये जो साउंड है ग्लास 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 ग्लास, तो इसका कोई कोई डिवाइन ऐसा तो है नहीं, किसी भगवान ने बोला है या देवता ने बोला है कि इसको ग्लास ही बोला जाएगा. नहीं, इसको पेन भी बोल सकते थे, पेन जो साउंड है, या फिर इसको ग्लास बोल सकते थे, राइट, है ना. सो दैट इज़ व्हाट आई मीन कि यानी इन शब्दों का जो हम आवाज़ें यूज़ करते हैं, सिंबल्स यूज़ करते हैं, दे डोंट हैव एनी इंट्रेंसिक मीनिंग, मतलब इनके अंदर नहीं है. मतलब क्या है, हम इंसानों ने दिया है, एंड दैट इज़ वाई लैंग्वेज इज सॉर्ट ऑफ अ कंस्ट्रक्ट, एक बनावटी चीज़ है इंसान की. शायद यू कुड कॉल इट द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन, अमंग फायर एंड व्हील एंड ऑल ऑफ दैट, क्योंकि एक तरह से हमारी पूरी दुनिया ही भाषा पे टिकी है. वी डिफाइन आवर वर्ल्ड थ्रू लैंग्वेज एंड कल्चर. कल्चर क्या है, भाषा का है, भाषा बहुत बड़ा हिस्सा है उसका. सो या एंड ऐसी चीज़ों को बोलते हैं कन्वेंशन, कि पेन जो है, पेन को पेन क्यों बोलते हैं, क्योंकि बस बोलते हैं भाषा में. जब शुरुआत में जब ये भाषा बनाई जा रही थी तो सब लोगों ने, ये भाषा बोलने वालों ने डिसाइड किया कि इस चीज़ को हम अब से क्या है, पेन बोलेंगे. अब कल को मैं इसको क्या है, ग्लास बोलने लग जाऊँ तो थोड़ी दिक्कत होगी ना. एंड दैट इज़ वाई कन्वेंशनली ये जो रूल्स बनाए हमने कि इस चीज़ को पेन बोलेंगे, ये हम सबको मानने पड़ेंगे, बिकॉज दैट तभी ये जो एक्सचेंज ऑफ मीनिंग, जो भाषा का पर्पज़ है, द पर्पज़ ऑफ लैंग्वेज, तभी वो फुलफिल हो पाएगा, राइट. कि जैसे एक और एग्जांपल, जैसे ये हैंड, हाथ, है ना, HANDD, इसको फुट भी बोल सकते थे, FOOT, राइट, है ना. वैसे फुट को हैंड बोल सकते थे, या फुट क्या, इसको टायर भी बोल सकते, कुछ भी बोल सकते थे हैंड को, ना. बट हमने बोला HANDD, या फिर जो हैंड जो आवाज़ है, या फिर हाथ जो आवाज़ है, वो इस चीज़ के लिए इस्तेमाल होगी, ठीक. सो या इनफैक्ट भाषा भी ऐसे ही काम करती है ना. अलग अलग जो एक्शंस हैं या फिर जो आइडियाज़ हैं या चीज़ें हैं, उनको हम क्या है, एक साइन दे देते हैं. सो इट इज़ ऑल मेटाफोरिकल. इन पे हम और बाद में बात करेंगे डिटेल में, बट फिलहाल के लिए यार तो वही है. प्रैक्टिकली वी हैव टू फॉलो दीज रूल्स. एंड टॉकिंग ऑफ रूल्स, ग्रामर क्या है फिर, इट्स अ सेट ऑफ रूल्स बेसिकली, एंड कन्वेंशंस, गवर्निंग द यूज ऑफ अ लैंग्वेज, की कोई भाषा कैसे इस्तेमाल होगी, कौन सा शब्द कहाँ इस्तेमाल होगा, वर्ब पहले आएगा कि नाउन पहले आएगा, एडजेक्टिव कहाँ लगेगा, किस, ये सब जो है ना, टेंस की दिक्कत है, ये सब क्या है, ग्रामर डिफाइन करता है. सो यू कुड बेसिकली वेरी इन वेरी सिंपल वर्ड्स डिफाइन ग्रामर एज अ सेट ऑफ रूल्स दैट डिफाइंस द यूज़ ऑफ लैंग्वेज, कि भाषा, कोई भी जो भाषा है उसको आप कैसे इस्तेमाल करेंगे वो उसका ग्रामर डिसाइड करता है, जो नियम है उस भाषा को इस्तेमाल करने के. इन नियमों को आप थोड़ा यू कैन बेंड देम, ब्रेक देम ऑल्सो, खासकर साहित्यिक इस्तेमाल जब होता है, लिटरेरी यूजेज में, खासकर कि पोइट्री में. पोइट्री में कभी कभार आप क्या है, इधर उधर कर सकते हैं, अपने शब्द भी बना सकते हैं. तो इन चीज़ों को हम धीरे धीरे देखेंगे. देन अनदर पॉइंट कम्स अप इज कि हाँ, कि हाउ डिड स्पीच डेवलप, भाषा की शुरुआत कैसे हुई थी, व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज. तो इस पे देखिए कोई, अब जैसे हम इतने हजारों साल या लाखों साल वापस जाके तो रिकॉर्ड या ऐसा कुछ यूट्यूब वीडियो है नहीं हमारे पास, वी डोंट हैव अ डॉक्यूमेंट्री, सो देर इज़ नो प्रूफ. अलग अलग थ्योरीज हैं, बट जो मुझे लगता है, इट्स अ पर्सनल ओपिनियन, जो मैं बोलता हूँ आप उसे एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा सत्य मत मानिएगा, मेरी भी आप यू कैन ऑलवेज रिसर्च एंड चेक. मेरी जो धारणा है, जो मुझे सही लगता है, जो कई काफ़ी कुछ पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ, शायद जो अर्ली मैन, जो केव मैन बोलते हैं, ये जो आदि मानव जो थे, वो शायद क्या है, जो एनिमल साउंड्स थी जंगलों में, जो उनके आसपास जानवरों की नेचर साउंड थी, शायद उनको इमिटेट, उनको कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे. और धीरे धीरे फिर क्या है, हमारा जो इंसानी दिमाग है उसके चलते शायद हम क्या है, बेसिक लैंग्वेज सिस्टम बनाने लग गए. आवाज़, अलग अलग आवाज़ों से हमने शायद क्या है, कुछ मतलब जोड़ दिया. जैसे कि खाने को हम क्या है, कुछ भी, जैसे शुरुआत में खाना या फूड तो नहीं था, बट मे बी इट वॉज लाइक
स्टफ लाइक दैट। तो हमने बोला पानी को अब से ई बोलेंगे। तो जब भी अगर जैसे तो मैं बोल गई यानी वहाँ पानी है, समथिंग लाइक दैट, यू नो, मे बी दिस इज हाउ लैंग्वेज स्टार्टेड, बट वी डोंट नो। और कई है, जैसे यू नो आप देखेंगे कि भाषाओं में माँ शब्द है, जैसे माँ, मामा, मम्मी, माटर, मादरे, मामा, मेयर, अलग अलग शब्दों में है, अलग अलग भाषा ग्रुप्स है, इंडो यूरोपियन, ऑस्ट्रो बर्मन, ठीक है, ये सब पे नहीं जाएंगे। बट हाँ, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, जैसे बाइबल में एक कहानी है, द टावर ऑफ बाबल करके, ठीक है। तो बेसिकली एक बार क्या है, जो इंसानों ने डिसाइड किया कि हम लोग क्या है, एक बड़ा सा टावर बनाएंगे और भगवान के पास पहुंच जाएंगे। और बनाते गए बनाते गए, ठीक है, लेकिन फिर भगवान ने देखा, अरे ये तो काफ़ी ऊपर पहुंच गए हैं, और क्या है, ये तो मेरे पास सही में पहुंच जाएंगे इंसान। तो पता नहीं भगवान को उससे क्या दिक्कत थी, लेकिन भगवान ने बोला ऐसा नहीं होगा। सो व्हाट ही डिड वाज कि उन्होंने इनकी भाषा तोड़ दी, क्योंकि काम करने के लिए भाषा बहुत ज़रूरी है, ये याद रखिएगा, राइट। यू नो यू नीड टू हैव अ कॉमन लैंग्वेज। अगर हम जैसे आप लोग अगर मान लीजिए बस गद्दी भाषा बोलते हैं और मैं बस हिंदी बोलता, तो हम लोग तो फिर एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते। वी आर एबल टू अंडरस्टैंड बिकॉज वी हैव अ कॉमन लैंग्वेज, राइट। तो ऐसे में क्या है, भगवान ने डिसाइड किया सबकी भाषा बदल दो। तो इसके बाद क्या है, कोई भी इंसान एक दूसरे को समझ नहीं पा रहा था, वो कुछ बोल रहा है, दूसरा कुछ और समझ रहा है, और इसलिए वो टावर क्या है, अधूरा रह गया। और इसीलिए हमारे पास दुनिया में इतनी सारी भाषाएं हैं। तो ऐसा क्या है, बाइबल का मानना है, इट्स अ मिथ, यू नो, जो जो पुरानी कहानियां होती है हर धर्म में, हर कल्चर में होती है। बाकी फिर क्या है, जैसे अगेन देन कमिंग बैक टू ग्रामर, आई एम सॉरी, सो दिस इज जोक, यू नो, अनदर दिस वेरी फेमस जोक अबाउट अ पांडा, पांडा एनिमल, जो पांडा बेयर होता है चाइनीज, यू नो, व्हाइट और ब्लैक कलर का बड़ा सा, राइट। सो वंस अ पांडा, यू नो, वेंट टू अ रेस्टोरेंट एंड ही ऑर्डर्ड अ लॉट ऑफ फूड। भाई पांडा है, बड़ा है, बहुत कुछ खाना है उसे, है ना, तो ठीक है, चिकन विकन, मटन, मोमो, जो भी, चाउमिन चाउमिन मंगा लिया उसने, एंड ही एट ऑल ऑफ इट, राइट। एंड देन वॉट ही डिड वॉज, जैसे अब आपने किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं एंड देन यू ईट योर फूड, तो फिर आप क्या करते हैं, वॉट्स द नेक्स्ट स्टेप, यू ऑर्डर फॉर द बिल, आप पैसे देते हैं, देन यू गो। बट वॉट डज द पांडा डू, वो खाना खा के ही स्टैंड्स अप, ही ईट्स हिज फूड, ही देन जस्ट स्टैंड्स अप एंड यू नो शूट्स द वेटर एंड लीव्स, यू नो दैट्स वॉट ही डज। खाना खाया उसने, खड़ा हुआ, गोली मारी और चला गया। परेशान लोग, ये क्या है, मैनेजर भाग के आता है, अरे ये क्या है, वो तो व्हाट आर यू डूइंग, यू नो यू कांट डू दिस, ये क्या तुमने मेरे वेटर को गोली मार दी। तो देन द पांडा सेज, डिक्शनरी खोलो और देखो पांडा क्या करता है। और डिक्शनरी में क्या लिखा था, अ पांडा इज एन एनिमल एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ईट्स, शूट्स एंड लीव्स। मतलब अ पांडा ईट्स, शूट्स एंड लीव्स। अब इसको देखिए, शूट्स शब्द बहुत ज़रूरी है, जैसे शूट्स के आपको पता है, एक खासकर इंग्लिश या फिर कई में एक ही शब्द, एक ही यानी सिंबल, एक ही लेटर, एक ही शब्द और एक ही साउंड के अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं। जैसे कैमरा से भी शूट करते हैं, गोली भी मारते हैं। शूट का एक और मतलब क्या होता है, जो पौधा होता है, पौधा का जो तना होता है ना, द स्टेम ऑफ इट, जहाँ से ब्रांचेस निकलती है, उसको भी शूट बोलते हैं। तो डिक्शनरी में क्या लिखा था, पांडा क्या करता है, खाता है, क्या खाता है, शूट्स एंड लीव्स, है ना, पेड़ के तना और पत्ते खाता है। बट अगर आप जैसे इसमें एक कॉमा लगा दें, कॉमा यहाँ पे ईट्स के बाद, तो इसका मतलब बिल्कुल बदल जाता है। फिर क्या हो जाएगा, पांडा ईट्स शूट्स एंड लीव्स, पांडा क्या करता है, खाता है, फिर गोली मार के चला जाता है। क्योंकि लीव्स के भी अब दो मतलब है ना, लीव का एक तो हो गया पत्तों का प्लूरल लीव्स, और दूसरा क्या है, लीव, चला जाना, राइट। सो एनी हाउ दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, नियम, यू नो, एक कॉमा से कितना फर्क पड़ता है, स्पेशली इन लैंग्वेज लाइक इंग्लिश, वेयर वन वर्ड कैन मीन मोर देन वन थिंग, राइट। तो वही है ग्रामर के भी, देखिए विल मेक सेपरेट वीडियोज, उस पर थोड़ा काम चल रहा है। ग्रामर सीखने के दो तरीके, या तो देखिए आप एक एक रूल पढ़िए, अच्छे से पढ़िए ये वो, या फिर दूसरा जो तरीका है कि आप बस भाषा से कंफर्टेबल हो जाइए, यू नो यू कीप ऑन रीडिंग, राइटिंग, वट एवर, और धीरे धीरे हो जाता है। जैसे क्या है, हिंदी या फिर गद्दी जो भाषा है आपकी, उसका आपको किसी ने ग्रामर नहीं सिखाया था, राइट, यू जस्ट लर्न इट। तो भाषा सीखने एक वो भी तरीका है, दूसरा तरीका ग्रामर का है, ग्रामर पे हम करेंगे क्लास बाद में, विल टॉक अबाउट इट, राइट। फॉर नाउ लेट्स मूव अहेड।
फिर नेक्स्ट भाषा, नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि सिंस वी हैव सो मेनी लैंग्वेजेस, वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट लैंग्वेजेस, तो विच लैंग्वेज इज़ द बेस्ट, यू नो? क्या हिंदी, सब इंग्लिश इंग्लिश कर रहे होते हैं आजकल, यू नो? इंग्लिश सीखनी, इंग्लिश सीखनी है, एक इंडस्ट्री है, लोग खूब पैसा कमा रहे हैं, इंग्लिश स्कूल बना दिया है, जगह जगह पढ़ाई हो रही है, डजेंट मैटर, बट लाइक यू नो इट्स अ बिग बिजनेस. सो इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, ऐसा क्या इंग्लिश क्या बहुत महान लैंग्वेज है? क्या हिंदी कम है उससे, या फिर हम आपकी मेरी लाहौल की भाषा पटनी, या फिर आपकी भाषा गद्दी भाषा, ये क्या कम है? बेसिकली हमने क्या बोला, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लैंग्वेज? एक्सचेंज ऑफ मीनिंग, राइट? बट तो उस तरीके से देखे तो क्या है, हर भाषा वो काम करती है. एक ही चीज़ मैं क्या है अलग अलग भाषा में बोल सकता हूँ, मुझे भूख लगी, एटलीस्ट सिंपल चीज़, आई एम हंग्री, मुझे भूख लगी है ना? इसको आप कई भाषाओं में बोल सकते हो, हर भाषा में बोल सकते हो. बट धीरे धीरे, यू नो, व्हेन यू टॉक अबाउट प्रैक्टिकल टर्म्स, इंग्लिश आपको लाइक, यू नो, व्हाई इज़ इंग्लिश सो पॉपुलर? इंग्लिश सीखना ज़रूरी क्यों हो गया? देयर इज दिस टर्म, यू नो, इट्स कॉल्ड लिंगुआ फ्रांका. फ्रेंच शब्द है लेकिन इंग्लिश में इसे इस्तेमाल किया जाता है, एंड दैट इज़ वन ऑफ द क्वालिटीज़ अबाउट इंग्लिश. इट्स अ वेरी अडेप्टेबल लैंग्वेज, यू नो, समय के साथ ही अपने आप को विकसित करते रहती है, अलग अलग शब्द जोड़ते रहती है. कई शब्द अरबिक से, अरबी से, हिंदी से, संस्कृत, ये सब से कई शब्द इंग्लिश में जुड़ चुके हैं. जैसे, और नहीं तो क्या, जुगाड़ जैसे शब्द भी अब इंग्लिश में इस्तेमाल किए जाते हैं. वैसे ही फ्रेंच वर्ड कॉल्ड लिंगुआ फ्रांका, जिसका मतलब है बेसिकली कॉमन लैंग्वेज जो प्रैक्टिस में यूज़ होती है. जैसे कि इंडिया में आप बोल सकते हैं लिंगुआ फ्रांका इज़ हिंदी, एटलीस्ट इन नॉर्थ इंडिया, राइट? कि क्योंकि हिंदी के माध्यम से ही हम लोग बात कर पा रहे हैं, नहीं तो आप अपना भाषा बोलते, मैं अपना भाषा लाहौल का बोलता, एंड वी वुड नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड. वैसे अगर आप अब इंटरनेशनली देखें, सो देन इंग्लिश सॉर्ट ऑफ बिकम्स द लिंगुआ फ्रांका. इनफैक्ट और टेक्नोलॉजी ऑल्सो, ज़्यादातर टेक्नोलॉजी काम, ये सब सब कुछ, यू नो, इज हैपनिंग इन इंग्लिश, राइट? एंड दैट इज़ वाई मे बी इसीलिए स्ट्रेस है इंग्लिश पे, बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी, स्किल्स. आजकल कहीं पे भी आप जाते हैं इंग्लिश में काम होता है, सरकारी दफ्तर से लेकर कहीं पे भी, यू नो. सो दैट इज़ वाई, यू नो, इंग्लिश सीखने का फायदा है. अडेप्टेबल लैंग्वेज है, यू नो, इवॉल्व होते रहती है समय के साथ साथ. जो भाषाएं विकसित नहीं होती है, रिजिड होती है, वो धीरे धीरे मरने लग जाती है. जैसे संस्कृत, संस्कृत कोई बोलता नहीं है, बस किताबों में है, पंडित पुजारी लोग वो लोग काम करते हैं, और स्कॉलर्स है कुछ लोग, वो लोग पढ़ते हैं. सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन, बेसिक डिफरेंस बिटवीन डेड एंड लिविंग लैंग्वेजेस, राइट? तो बस पॉइंट ये है कि ऐसा नहीं है कि हमारी जो भाषाएं हैं जो हमारे बहुत दिल के करीब हैं, यू नो, आपकी अपनी गद्दी भाषा, मेरी लाहौल की भाषा, यू नो, इट्स वेरी क्लोज टू आर हार्ट, मदर टंग है. और इसका ये मतलब नहीं है कि वो भाषा कुछ कम है, यू नो, इन बड़ी भाषाओं से. बट इट्स जस्ट दैट इट्स मोर यूजफुल इन सर्टन टर्म. जैसे साइंस की बात आप करना चाहें या डिस्कशन करना चाहें, तो हिंदी में भी बहुत मुश्किल होता है, आप जानते हैं ना. जैसे सिंपल शब्द हिंदी में, यानी कितने, हम कौन सी बड़ी प्योर हिंदी बोलते हैं, इट्स ऑल अ मिक्स, यू नो. आजकल तो इंग्लिश इंग्लिश, उर्दू उर्दू, सब मिला हुआ है. सो प्योर हिंदी में तो कोई बात ही नहीं करता, वो बस आपको किताबों में मिलेंगी, वो भी शायद पुरानी पुरानी, राइट? सो या बेसिकली इट कम्स डाउन टू, यू नो, प्रैक्टिकल थिंग्स एंड एक्सचेंज ऑफ मीनिंग, अगेन ऑल ऑफ दैट. अब क्या है, अब फिर से वापस इंग्लिश पे आते हैं. तो इंग्लिश पे इतना जोर क्यों है, यानी जो हम बात कर रहे हैं, लिंगुआ फ्रांका, दुनिया भर में इसी में अब काम हो रहा है, तो ऐसा क्यों है, राइट? ऐसा क्यों है, हमारे देश में ही क्यों बोली जा रही इंग्लिश? इतनी भाषा हमारे पास, क्या कमी थी भाषाओं की? डिड वी हैव अ डर्थ वेयर तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मणिपुरी, मीजो, असमीज, बंगाली, गोंडी, संथाली, पंजाबी, गुजराती, और हाँ, हिमाचल, पहाड़ी, उत्तराखंड, और ये जो हिमाचल के आधी से ज़्यादा, इतने जो यहाँ पे 100 हज़ारों लैंग्वेजेज हैं, इन सबको हमने पहाड़ी लेबल दे दिया है. सो वाई इंग्लिश, यू नो, वाई इज़ इंग्लिश सच अ थिंग, यू नो, ऐसा क्यों हुआ होगा? फॉर दैट वी नीड टू लाइक, यू नो, गो बैक कुछ, इनफैक्ट और दुनिया में ऐसा है काफ़ी. सो या वी नीड टू गो बैक अराउंड 500 ईयर्स, कुछ 500-600 साल पहले की बात है, जब क्या हो रहा था. एक शब्द है कोलोनियलिज्म, यू नो, उपनिवेशवाद, शायद आप लोगों ने पढ़ा हो हिस्ट्री में. सो हाँ, उसके बारे में देखिए अब बात करेंगे. ये जो 14th सेंचुरी एक टाइम था जब क्या है, ये एज ऑफ डिस्कवरी शुरू हो गई थी, जब यूरोप में क्या है,
दे मेड गुड नेवल शिप्स एंड गन पाउडर एंड ये सब अच्छे इनके पास गोला बारूद और बेसिकली जहाज़ आ गए थे, जहाज़ यानी शिप वाले। एंड फिर क्या है, स्पाइसेस चाहिए थे, कई चीज़ें चाहिए थे। तो यूरोप के लोग क्या है, आर्मीज़ धीरे धीरे दुनिया के अलग अलग कोनों में जाने लगे, ताकि क्या है वहाँ में क्या मिलता है, ट्रेड, ये सब। ईस्ट इंडिया कंपनी पहुँची जैसे भारत में, है ना। तो शुरुआत में इट वॉज़ ऑल अबाउट ट्रेड, यू नो, स्पाइस ट्रेड, हम तो मसाले लेने आए हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ वो हम सब जानते हैं। और ऐसा ही देखे कई जगह हुआ, हर कोई कर रहा था। जैसे इंडिया में अगर पोर्चुगीज और इंग्लिश आए, सो स्पेन वेंट टू लाइक यू नो व्हाट, साउथ अमेरिका। सो इसलिए साउथ अमेरिका में स्पेनिश बोली जाती है। अफ्रीका में तो इधर देख लो बेसिकली मार पड़ गई थी हर कोई, बट प्राइम फ्रांस का काफ़ी दबदबा था, तो अफ्रीका के अभी भी कई देशों में यानी फ्रेंच बोली जाती है। सो दिस वाज ऑल थैंक्स टू कोलोनियलिज्म, जब बेसिकली क्या है गोरे लोगों ने डिसाइड किया कि भाई देखते हैं दुनिया में क्या है, और वो सब हथियार लेते हैं किसी तरह, क्योंकि हमारे पास गोला बारूद है, ठीक है। और फिर क्या है, दे वर डिफरेंट, ऑब्वियसली हमारी सभ्यता, हमारा कल्चर, आर सिविलाइजेशन वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम देयर सिविलाइजेशन, वेदर इट वॉज इन अफ्रीका और अमेरिका, नॉर्थ साउथ अमेरिका। तो धीरे धीरे क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, जब बड़ा कल्चर आता है और आप पे शासन करने लग जाता है, बड़ा धर्म ये वो, तो फिर क्या है, ऑब्वियसली देन यू हैव टू अडेप्ट देयर लैंग्वेज। अब जैसे, और खासकर इंडिया जैसे केस में वेयर देर आर थाउजेंड्स ऑफ लैंग्वेज, तो द ब्रिटिशर्स डिसाइडेड कि क्या है, हमें अब इस अगर देश को चलाना है, यहाँ पे काम करना है, तो लोकल लोगों को शायद हमारी भाषा सीखनी पड़ेगी। वो लोग तो नहीं सीखेंगे, और कितनी भाषा सीखेंगे, हिंदी एक, अगर एक दो भाषा होती तो बात होती, इंडिया इज़ टू मैनी लैंग्वेज। सो इट वॉज डिसाइडेड कि वो लोग अपनी भाषा हमें सिखाएंगे, और तभी से बेसिकली आर एजुकेशन सिस्टम गोज़ बैक टू दैट, यू नो, थॉमस मैकुले, अगर आपने पढ़ा हो हिस्ट्री में, तो थॉमस मैकुले, उनका आइडिया ये था कि बेसिकली हमें क्या है, अपने जैसे क्या, यानी हमारी भाषा में जो हमें लोग बनाने, भारत के लोग ऐसे बनाने कि वो हमारी भाषा सीखकर हमारा काम कर पाए बेसिकली, है ना। क्योंकि अगर काम करवाना है किसी से तो आपको उसकी भाषा आनी चाहिए। सो टू पुट इट वेरी सिंपली, मैं बहुत सिंपली बता रहा हूँ आपको, सो दिस वॉज द केस, राइट। ऊपर से फिर ये सब भी था, देर इज अ थिंग कॉल्ड वाइट मैन्स बर्डन, गोरे लोगों को लगता था कि हम क्या है सभ्यता फैला रहे हैं, ये जो बाकी जो सभ्यताएं हैं वो पिछड़ी हुई है, द प्रिमिटिव जंगली लोग हैं, सो वी नीड टू सिविलाइज देम, क्राइस्ट के बारे में बताना है, भाषा देनी है, एजुकेशन देना है। और इसीलिए चलते चलते अभी तक क्या है, हमारे देश में इंग्लिश का एक हवा बना हुआ है, देयर इज दिस होल क्लास डिफरेंस, यू नो, पैसे से ज़्यादा शायद भाषा आपका आपकी क्लास डिसाइड करती है। कई लोग ऐसे जो काफ़ी पैसे वाले भी होते हैं, बट यू नो अ वर्ड दे डोंट नो इंग्लिश, और उसमें फिर उनको शर्म आती है। सो इट्स वेरी लाइक, जिस तरीके से अगर हम इंग्लिश बोलते भी हैं, पहली बात तो वहीं पे क्या है, जैसे इफ़ यू डोंट नो इंग्लिश यू माइट गेट अ जॉब ऑफ ₹5,000 per month, बट इफ़ यू नो इंग्लिश ऑटोमेटिकली आपका वो 5,000 क्या है, यू विल स्टार्ट कम्पीटिंग फॉर 15,000 जॉब्स, ₹, लाइक यू नो, तो ऑटोमेटिकली आपकी सैलरी बढ़ जाती है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, जैसे इंग्लिश और कंप्यूटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट स्किल्स इन आर टाइम। तो वही है, और वैसे इंग्लिश आती है नहीं आती वो तो एक बात है, बट कैसी इंग्लिश आती है, यू नो, इन द वे वी स्पीक। हिंदी में अगर हम लोग गलती करते तो उसमें हमको नहीं बुरा लगता, बल्कि हंस देते हैं, बट इफ़ यू मेक अ मिस्टेक इन इंग्लिश तो हमें एकदम शर्म आ जाती है, लोग एकदम मजाक उड़ा देते हैं, विच इज़ वेरी स्टूपिड, यू नो, इट्स जस्ट अ लैंग्वेज। तो एंड में बेसिकली टू पुट इट रियली सिंपली, आप लोगों को क्यों सीखनी चाहिए इंग्लिश, और नहीं तो देखिए दो पेपर है वो आपको पास करने हैं, अदरवाइज यू वॉन्ट गेट योर डिग्री, राइट। बट अदरवाइज इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल लैंग्वेज, इट इज़ अ पावरफुल लैंग्वेज फॉर बेटर और वर्स, यू नो, परिस्थितियाँ ऐसी है कि ये भाषा हमारे लिए थोड़ा बेसिकली सीखना ज़रूरी हो गया, फॉर सोशल मोबिलिटी, जॉब एक्सेट्रा, प्रैक्टिकल टर्म्स, एनी थिंग, यू नो, हायर रिसर्च। अभी जैसे चाहे आप अगर वही, तो जैसे हमारे सिस्टम में भी काफ़ी दिक्कत है, आप देखिए जैसे आप लोगों का लिटरेचर पेपर नहीं है, दिस लिटरेचर पेपर है यानी लैंग्वेज पेपर नहीं दिया है आपको, यू नो, एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट। तो ऑन पेपर तो आप लोगों ने सबने पढ़ रखी है, यू शुड ऑल बी कंफर्टेबल विद इंग्लिश, ऐसा सिस्टम का मानना है, बट हकीकत हम सबको पता है। सो या इट्स अ प्रॉब्लम, बट हाँ ठीक है। तो या एनी हाउ, लास्ट पॉइंट बेसिकली, हाँ, जो अब हिंदी इंग्लिश की बात कर रहे हैं, सो लास्ट पॉइंट इज़ यू नो, हिंदी राष्ट्रभाषा हमारी, नेशनल लैंग्वेज,
ये एक गलत फहमी है, दिस इज़ अ मिस्टेक। हिंदी इज़ एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया एंड सो इज़ इंग्लिश, ठीक है, यानी औपचारिक भाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। औपचारिक से मतलब यानी ऑफिशियल, भारत सरकार के कामों में कौन सी भाषाएं इस्तेमाल होंगी, बेसिकली इंग्लिश, हिंदी, कुछ कुछ जगह रीजनल लैंग्वेजेस भी इस्तेमाल होती है, बट अगर पैन इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट की बात देखेंगे तो इट्स ओनली हिंदी एंड इंग्लिश। और इन पे भी देखिए, जैसा आप जानते हैं, काफ़ी विवाद चल रहा है, बिकॉज़ यू नो साउथ वाले तमिल वगैरह, तेलुगु, कन्नडा, मलयालम बोलने वाले बोल रहे कि हम, हमारी भाषा हिंदी नहीं है, हिंदी इज जस्ट, आप, हिंदी इज़ बेसिकली जस्ट सेंटर्ड इन नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट में अलग भाषाएं हैं, बंगाली से, बंगाल से आगे जाएंगे और फिर कई भाषाएं हैं नॉर्थ ईस्ट में। वैसे आप, और नहीं तो हमारा एग्जांपल ही देख लीजिए ना, जैसे हिमाचल में आप देखिए या फिर उत्तराखंड में, सब भाषाएं इतनी, जो हज़ारों भाषा है, सबको क्या बोल दिया है, पहाड़ी। तो खैर यही है। और दूसरी बात फिर इस, और भाषा और कल्चर से, एज यू नो पॉलिटिक्स इज़ ऑलवेज अराउंड, तो हिंदी पे भी ये जो हम बात कर रहे हैं, दूसरा है पॉइंट की द रिलेशनशिप बिटवीन हिंदू एंड उर्दू, हिंदी आई कहाँ से, संस्कृत के भाषा है ये वो, तो लेकिन जैसा हम देखते हैं, हम रिसेंटली न्यूज़ पे अगर आप देख रहे होंगे, अब सब्जियाँ भी हिंदी, हिंदू मुसलमान हो रही है, तो ऐसे ही कुछ भाषाओं के साथ भी किया गया है। सो वन कुड से अर्लियर, ये जो अपभ्रंश है, खड़ी बोली, ये सब जो है, यहाँ से क्या है, ये जो नॉर्थ इंडिया में बोली जाती थी, इधर से धीरे धीरे एक थोड़ी स्टैंडर्ड सी भाषा आई, जिसको आप हिंदी या हिंदुस्तानी कह सकते हैं। उसमें क्या है, कई लोग लिखने लग गए, जैसे अमीर खुसरो को हम, जो एक शायर थे, उन्हें हम पहला मानते हैं इस भाषा में साहित्य लिखने वाले। तो देन इट बिकेम अ सॉर्ट ऑफ अ पॉलिटिकल थिंग, मे बी यू नो, जैसे जैसे हम पार्टीशन की तरफ आने लग गए, हिंदू मुस्लिम आपको पता है हमारे देश में चलते ही रहता है, तो क्या है, भाषाएं भी हिंदू मुस्लिम हो गई। हिंदी में जो संस्कृत का इन्फ्लुएंस, ज़्यादा प्रभाव जोड़ा गया, ज़्यादा शब्द लिए गए, और धीरे धीरे उसे हिंदी बनाया गया अलग भाषा, और वैसी क्या है, हिंदी में अब आप फारसी या फिर अरबी शब्द जोड़ने लग गए, इन्फ्लुएंस जोड़ने लग गए, देन इट बिकेम उर्दू। और क्या, अलग अलग स्क्रिप्ट्स भी हो गई, जैसे कि क्या है, उर्दू नस्तालिख में लिखी जाती है, हिंदी देवनागरी में लिखी जाती है, तो हिंदी हिंदुओं की और उर्दू क्या है, मुसलमानों की, पाकिस्तानियों की, हिंदू हिंदी हिंदुस्तानों की। और हाँ, बट ऑल ऑफ दिस इज़ वेरी प्रॉब्लमैटिक, यू नो, और इन चीज़ों में आप देखेंगे, जैसे इवन द फैक्ट दैट ये जो हिंदुस्तान है, ये शब्द यानी बेसिकली जो अभी हम जो हिंदू धर्म मानते हैं, उससे नहीं जुड़ा है, लेकिन इट वॉज़ एक्चुअली लैंड ऑफ जो सिंधु के उस पार, इस तरह से आप देखा जाए तो। और जो प्रेजेंट जो हम हिंदुइज्म भी है, वो जो पुराना जो वैदिक रिलीजन है, बहुत ठीक है, ये सब हम धीरे धीरे और बात करेंगे, इन पे ज़्यादा कुछ है भी नहीं फिलहाल। सो वॉट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट, यू नो, पॉलिटिक्स इज़ ऑलवेज अराउंड द कॉर्नर, एंड दैट इन जैसे ही आर्ट सब्जेक्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ में आप ज़्यादा देखिए, यू नो, इट्स ऑलवेज ट्रिकी, कुछ फिक्स जवाब नहीं होते हैं, एक पहलू है, उसके बिल्कुल विपरीत पहलू भी हो सकता है, जो कि दोनों सच हो सकते हैं, ठीक है, तो कई पहलू हैं, मेरी बात आप पूरी मत मानिए, अपने अपनी परखिए, रिसर्च कीजिए और अपनी ओपिनियन बनाएं, क्योंकि एंड में ह्यूमैनिटीज़ में ज़्यादातर देखिए धारणा ही होती है ना, आप कुछ बोल सकते हैं, मैं कुछ बोल सकता हूँ, एज लॉन्ग एज आई कैन सपोर्ट इट, है ना, कानून भी ऐसे ही चलता है, प्रमाण चाहिए, अगर आप अपनी थ्योरी के लिए प्रमाण दे सकते हैं, यू कैन प्रूव योर थ्योरी, देन या श्योर, सो या, है ना, जैसे एक और आजकल पेचीदा मामला चल रहा है, भाषा और बोली, लैंग्वेज एंड डायलेक्ट, तो पहले इट वॉज़ वेरी क्लियर कट, क्या है, जिन भाषाओं की क्या है अपनी स्क्रिप्ट या लिपि है, देन इट इज़ अ लैंग्वेज, नहीं है तो फिर वो बोली है, देन इट इज़ अ डायलेक्ट। बट नाउ अब धीरे धीरे आप देखिए ना कि कुछ इंट्रिंसिक कनेक्शन, जैसे हम बोल रहे थे कि शब्दों का मीनिंग जो है, कुछ कनेक्शन, गूर कोई कनेक्शन नहीं है, मूल कनेक्शन नहीं है, वैसे ही ऐसा है, राइट, क्योंकि एक ही चीज़ जो आप चीज़ें हिंदी में लिख रहे हैं, वो आप इंग्लिश में भी, यानी रोमन स्क्रिप्ट में भी लिख सकते हैं, जैसे माई नेम इज़ ईशान, है ना, रोमन स्क्रिप्ट में लिखा है, और माई नेम इज़ ईशान, सेम चीज़ मैंने देवनागरी में लिखी है, हिंदी में नहीं लिखी, देवनागरी में लिखी है, समझ रहे हैं आप, तो वैसे ही है ना, जैसे हम आजकल मैसेजिंग में इस्तेमाल करते हैं, हम हिंदी में लिखते हैं, गद्दी भाषा लिखते हैं, अपनी भाषा लिखते हैं, बट वी राइट इट इन रोमन स्क्रिप्ट, राइट, सो या ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बेसिकली द पॉइंट वॉज कि आप अब धीरे धीरे एक, यू नो, आर्ट्स या फिर ह्यूमैनिटीज़ के नज़रिए, साहित्य के स्टूडेंट के नज़रिए से आप दुनिया को देखें, चीज़ों पे सवाल उठाएं, क्या
क्यों का सवाल बड़ा ज़रूरी है, वाई, यू नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ व्हाट लिटरेचर इज ऑल अबाउट. यू नो, वील ग्रेजुअली टॉक अबाउट दैट. फिलहाल वी स्पोक अबाउट लैंग्वेज, अब धीरे धीरे वील गेट इन टू लिटरेचर एंड इन टू हम आपके कोर्स के साथ आगे बढ़ेंगे. या ठीक है, जय हो.